नमस्कार, न्यूज सिटी गुजरातीमां आपનું સ્વાગત છે અને આપની સાથે હું છું મિત્તલ ખાણિયા। મહત્વના સમાચાર પર નજર કરીએ તો ભરૂચ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે। વાગરાના અનેક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ નોંધાયો છે। વરસાદ પડતા ખેડૂતોની ચિંતામાં ફરી એકવાર વધારો થયો છે। હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે માવઠું થયું છે। साबरकांठाना वातावरण में पलटो आव्यो। वहेली सवारथी वादळछायुं वातावरण छवायुं। खेडूतोमां चिंतानो माहोल छवायो। घऊं बटाका वरियाळीमां नुकसानी भीति। हवामान विभाग की आगाही वच्चे वातावरण में पलटो आव्यो छे। अमदावादना वातावरण में पलटो आव्यो छे। वहेली सवारथी वादळछायुं वातावरण सर्जायुं छे। वरसादना केटलाय विस्तारों में अमदावादना केटलाय विस्तारों में वादळछायुं वातावरण जोवा मळी रह्युं छे। त्यारे वादळछायुं वातावरण अमदावादमां सर्जायुं होय तेवा दृश्यो छे। वातावरणमां फरी एकवार पलटो आव्यो छे। एक वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय थयुं छे अने तेनी असर छे ते वातावरण उपर जोवा मळी रही छे। हवामान विभाग द्वारा आगाही करवामां आवी छे कि देशना नौ राज्यों उपर तेमनी असर छे ते जोवा मळशे। गुजरातना वातावरण उपर पण वेस्टर्न डिस्टर्बन्सनी असर जोवा मळी रही छे। वहेली सवारथी ज वादळछायुं वातावरण छे ते जोवा मळी रह्युं छे। अमदावाद शहेरनुं वातावरण धूंधळुं बन्युं छे। हवामान विभागनुं अनुमान छे कि गुजरातना उत्तर गुजरात सौराष्ट्रना अमुक विस्तारों छे कि ज्यां कमोसमी वरसाद थशे। मावઠાની આગાહીએ ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે। પરંતુ બે દિવસ વાતાવરણ યથાવત રહેવાનું હવામાન વિભાગનું અનુમાન છે। સાથે સાથે હવામાન નિષ્ણાંત આંબાલાલ પટેલનું પણ અનુમાન છે કે બે એકથી ત્રણ દિવસ માસ છે તે વાતાવરણ યથાવત રહેશે અને ત્રણથી પાંચ ફરી એક વખત ઠંડીનો રાઉન્ડ આવશે। કેમેરામેન પ્રકાશ દેસાઈ સાથે વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ એટીન ગુજરાતી, અમદાવાદ। तो सूरत में रोगचाळो वकर्यो छे। सचिन में ज्वाळा उल्टी बाद चार वर्षीय बाळकीनुं मौत निपजू छे। एक दिवस में ज्वाळा उल्टी बाद बाळकीनुं मौत निपजू छे। बाळकीनुं मौत थता परिवार में शोकनो माहोल छे। पोलीसे मृतदेहने पोस्टमोर्टम माटे मोकल्यो छे। लोकसभानी चूंटणी अंगे सौथी मोटा समाचार, भाजप आजे उमेदवारोनी पहेली यादी जाहेर करी शके छे। महत्वनी बैठकों माटे अंतिम महल लगावशे। अंदाजे 100 बैठकों उम्मीदवारों जाहेर थई शके छे। मोड़ी रात्रे केन्द्रीय चूंटणी समितिनी बैठक मळी। गुजरातनी 26 बैठकों माटे चर्चा थई छे। मोड़ी रात्रे भाजप चूंटणी समितिनी 4 कलाक सुधी बैठक योजाई। गईकाले रात्रे 10:50 वाग्याथी शुरू थयेली आ बैठक मोड़ी रात्रे 3:15 वाग्या सुधी चाली। लोकसभा चूंटणीने ध्यानमां राखी केन्द्रीय चूंटणी समितिनी आ प्रथम बैठक हती। सूत्रोना मते बैठक में 18 राज्य अने 3 केन्द्र शासित प्रदेश में उम्मीदवारों अंगे चर्चा थई अने केटलाक नामों पर महोर लगावाई छे। 18 राज्यों में 350 वधु बैठकों अंगे चर्चा थई। भाजपना हेडक्वार्टर में योजायेली आ बैठक में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह अने केन्द्रीय चूंटणी समिति अन्य सभ्यों हाजर रह्या। आ बैठक में भाजप शासित तमाम राज्यों मुख्यमंत्री और नायब मुख्यमंत्रीए पण हाजरी आपी हती। भाजपनी पहली यादी जाहेर थशे तो आ सौथी मोटा समाचार सामे आवी रह्या छे। लोकसभा चूंटणी पहेला मोड़ी रात्रे केन्द्रीय चूंटणी समितिनी गईकाले बैठक मळी हती। लोकसभानी चूंटणीमां गरमाव आव्यो छे। चूंटणी अंगे आ सौथी मोटा समाचार, भाजप आजे उमेदवारोनी पहली यादी जाहेर करी शके छे। अंदाजे 100 बैठकोना उमेदवारो जाहेर थई शके छे। भाजप आजे उमेदवारोनी पहली यादी जाहेर करशे त्यारे केन्द्रीय चूंटणी समितिनी बैठक मळी हती। गुजरातनी 26 बैठकों माटे चर्चा थई छे अने लोकसभा चूंटणी नजीक छे। भाजपे प्रचारनो धमधमाट जे शुरू कर्यो छे तो बीजी तरफ भाजप आजे उमेदवारोनी पहली यादी जाहेर करी शके छे। लोकसभा चूंटणी पहेला सौथी मोटा समाचार, अंदाजे 100 बैठकोना उमेदवारो आजे जाहेर थई शके छे। मोड़ी रात सुधी केन्द्रीय चूंटणी समितिनी बैठक मळी हती। 3 वाग्या सुधी आ बैठक मळी हती जेवा 26 बैठकों माटे चर्चा करवामां आवी छे। गुजरातनी 26 बैठक के तेना पर चर्चा थई छे। जो के आजे भाजप द्वारा 100 उमेदवारोनी यादी जाहेर करवामां आवी शके छे। मोड़ी रात सुधी केन्द्रीय चूंटणी समितिनी बैठक मळी अने जेमां चर्चा करवामां आवी छे अने आ तरफ आजे 100 उमेदवारो जे छे तेना नाम पर महोर लागी शके छे।
तुम्हारी साथे दिल्ली थी संवाददाता विनीत जुड़ाई चुक्या छे। विनीत, क्या है इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कल देर रात जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें पंथ प्रधान जो है नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात को लेकर के भी सीटों को लेकर के चर्चा हुई। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, वो भी इस बैठक में शामिल थे। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस बैठक में शामिल थे। और निश्चित तौर पर बीजेपी जो चाहेगी कि गुजरात की 26 सीट जो है वो बीजेपी इस बार में जीते, इसको लेकर के कयास जो है और इसको लेकर के चर्चा जो है पूरी से हुई। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पंत प्रधान नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि 370 सीट जो है वो बीजेपी इस बार जीतना मैं चाहेगी, और ऐसे में गुजरात जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, वहां पर दोनों ही चुनावों में बीजेपी ने 26 की 26 सीट जीती थी। और अगर 370 का लक्ष्य जो हासिल करना है उसको लेकर के अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर वहां पर गुजरात में जो पिछला परफॉर्मेंस था उसे बनाए रखना जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे मंत्री, अगर हम बात करें कि बड़े मंत्री हैं हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, उनको भी जो है इस बार टिकट जो है वो बीजेपी दे सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुरुषोत्तम रूपाला को भी इस बार जो है बीजेपी लोकसभा का टिकट जो है वो दे सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अपनी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही साथ है जो अन्य भी कुछ सीट है वहां पर भी बीजेपी जो है वो अपने उम्मीदवारों को बदल सकती है, लेकिन जो मुख्य फोकस रहेगा वह यह फोकस रहेगा कि बीजेपी इस बार भी 26 की 26 सीट जो है वो जीते। और इसी को लेकर के कल हमने देखा कि कल में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें मंथन हुआ। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके अनुसार 150 के लगभग सीटों पर कल चर्चा हुई और इसकी घोषणा जो है वो आज या कल जो है वो हो सकती है। तो बीजेपी में बड़ा मंथन हुआ, पंत प्रधान नरेंद्र मोदी के जिसमें मौजूद थे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। और उसके बाद जो मंथन के बाद टिकटों पर जो चर्चा हुई, अब यह हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब से थोड़ी ही देरों में, कुछ घंटों में, अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जो है वो बीजेपी की पहली सूची जो है वो जारी की जा सकती है, जिसमें माना जा रहा है, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला नाम होगा। गुजरात से आते हैं सांसद अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका भी नाम होगा। साथ ही साथ अगर हम गुजरात के अन्य लोगों की बात करें तो मनसुख भाई मांडविया का नाम भी हो सकता है। साथ ही साथ यह भी जानकारी मिल रही है कि पुरुषोत्तम रूपाला को भी इस बार सरकार जो है वो लोकसभा का टिकट दे सकती है। जी जी विनीत, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हाल जे प्रमाणे विगतो मळी रही छे, मोड़ी रात सुधी केंद्रीय चूंटणी समितिनी जे बैठक मळी हती जेमां विशेष चर्चा करवामां आवी छे।